आज हमें डोरेमोन देगा प्लान पावर, जिसे हम लोग किसी भी प्लान को उड़ा पाएंगे। इस गेम में हमें अपने $1 के प्लेन को $1,000,000 में अपग्रेड करना है, और फिर हमारे प्लेन की रेस काफी बड़े बड़े जेट फाइटर के साथ भी होने वाली है। उन सारों को हरा हरा कर तो हम लोग अपने पैसों से पूरा एयरपोर्ट ही खरीद लेंगे। तो इसलिए गाइस वीडियो के साथ जुड़ी रहो और वीडियो पूरी देख लेना। गाइस ये देखो हमारे पास कितना ही बढ़िया प्लेन है, और इन लोबिटा लोगों के पास तो वही कबार से उठाया हुआ घिसा पिटा प्लेन है। प्लीज प्लीज इज्जत तुम लोग मुझसे ये फाइव जेट बतला दो, मैं तो तुम्हें पूरे ₹5 दूंगा। ये ₹5 में तो तुम्हें कोई चॉकलेट ना दे, ये फाइव जेट तो बहुत दूर की बात है। मुझे तो पहले से पता था ये मांगता हर वक्त मांगता ही रहता है। दोस्तों ये लोग तो मेरी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट कर रहे हैं, लगता है मुझे ना अपने प्लेन को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। मैं तो समझी थी नोबिटा तुम तो अपने लिए कोई बढ़िया सा प्लेन लेकर आओगे, लेकिन तुम्हारे पास तो ये घिसा पिटा हुआ $1 का प्लेन है। सबको छोड़ो डोरेमोन, डोरेमोन प्लीज तुम मेरी मदद कर दो, मेरे प्लेन को अपग्रेड कर दो। ये मैजिकल दुनिया है, इसमें मेरा जादू काम नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट वे बताता हूँ जिससे तुम्हारा प्लेन अपग्रेड हो जाएगा। क्या क्या सीक्रेट वे? कौन सा सीक्रेट वे? ये देखो इस साइड पर कितने इस वर्ल्ड के बॉस है, और जैसे जैसे तुम इन बॉस को हराओगे तुम्हारा प्लेन अपग्रेड होता जाएगा, और इस वर्ल्ड के बॉस को हराते ही तुम्हारे पास तो पावरफुल प्लेन भी आ जाएगा। OMG गाइस ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, और ये बहुत ही आसान तरीका है कि मैं अपने प्लेन को अपग्रेड कर लूं। ये देखो गाइस ये लोग तो अपने प्लेन को ट्रेनिंग करवाने जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ना तुम लोग भी हमारे साथ ट्रेनिंग के लिए आ जाओ, ताकि तुम्हारे प्लेन की स्पीड भी बढ़ जाए। बिल्कुल भी नहीं, हम तो अपने प्लेन को जरा भी ट्रेन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा प्लेन तो पहले से अपग्रेड है। जो भी हो, लेकिन गाइस ये लोग तो अपने प्लेन को ना अपग्रेड करके बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। और ये देखो गाइस अब तो हमारा प्लेन अपग्रेड होना शुरू हो चुका है। OMG जैसे जैसे हम लोग अपने प्लेन को अपग्रेड कर रहे हैं, हमारी प्लेन की स्पीड तो बढ़ती जा रही है। दोस्तों इन्हें तो पता ही नहीं है, जैसे जैसे हमारे प्लेन की स्पीड तेज होगी तभी तो हम इस वर्ल्ड के बॉस को हरा पाएंगे। और काफी देर ट्रेनिंग करने के बाद हम लोगों ने अपने प्लेन की स्पीड को 1.47 मिलियन तक पहुंचा दिया है। जब भी हो, लेकिन तुम लोग तो एक रेस भी जीत नहीं पाओगे। OMG इस वर्ल्ड के बॉसेस के साथ हमारी रेस स्टार्ट होने वाली है। 3, 2, 1 और ये देखो गाइस हमारी स्पीड कितनी ज्यादा तेज हो चुकी है। ओह माय गॉड ये क्या देख रहे हैं हम लोग, नोबिटा तो इस वर्ल्ड का चैंपियन बन गया और ये तो पहले नंबर पर आ गया। OMG गाइस मेरा $1 का ये प्लान इतनी जल्दी ने हरा लेगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। और अब तो हमारे पास एक पावरफुल प्लेन भी आ चुका है, और तेरे के इस प्लेन को तो हमने पूरा $5,00,000 देकर खरीदा, उन लोगों को तो ये प्लेन मुफ्त में मिल गया। मुझे तो लगता है इन लोगों ने कहीं चोरी की होगी, तभी तो इन लोगों ने ये प्लान चुपके से खरीद लिया। पता नहीं दोस्तों ये क्या नाप शनाप पक रहे हैं, लेकिन हम लोग तो इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एग भी अनलॉक करने वाले हैं। लेट्स सी इसमें हमें क्या मिलता है। ओके 3, 2, 1 ये तो ओपन होने ही वाला है। ओ माय गॉड रिनो पेट ये तो काफी ज्यादा रेयर है, जल्दी से हम लोग ना इसे इक्विप कर लेते हैं। ओके ये हमने क्लिक किया और सारे बेस्ट पेट को इक्विप कर लिया। ओ नो इन लोगों के पास तो कितने बढ़िया बढ़िया पेट आ चुके हैं। तो फाइनली हम लोग इस अपग्रेडेड प्लेन को ट्रेनिंग करने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि अब तो हम लोग इस वर्ल्ड के बॉस को भी जो हराने वाले हैं। और काफी सारी प्रैक्टिस करने के बाद अब हमारी स्पीड 2 मिलियन से ऊपर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वर्ल्ड अनलॉक करने के लिए हमें तो फाइनल रेस लगानी ही पड़ेगी। और ये देखो दोस्तों अब हम लोग रेस में इंटर होने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल बॉस को जो हराना है। OMG 3, 2, 1 और अब तो हमारी रेस स्टार्ट होने वाली है। लेट्स गो गाइस ये देखो अब हमारी स्पीड कितनी ज्यादा तेज हो चुकी है, और सबसे पहले हम लोगों ने फिनिशिंग लाइन पार कर ली। और ये हो अब तो हमारे पास इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल जेट आ चुका है, और अब तो हम लोग इस वर्ल्ड के चैंपियन बन चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस वर्ल्ड के सारे बॉसेस को जो हरा लिया है। परी 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 इन लोगों के पास इतना पावरफुल जेट कैसे आ गया? जरूर डोरेमोन ने इनकी मदद की होगी, ये तो हाई चीटर। हम लोग कोई चीटर नहीं, हम लोगों ने तो इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल बॉस को हराया है। ऐसी बात है तो हम भी इस वर्ल्ड के बॉस को हराएंगे, ताकि हमारे पास भी ये पावरफुल जेट आ पाए। परी परी जाइमन अब तो हम लोग इस चैलेंज को जीत के ही रहेंगे, क्योंकि
के इन लोगों ने तो मुझे बहुत ही ज्यादा तीली लगा दी है। ओके जल्दी से रेस में एंटर हो जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने तो इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल बॉस को हराना है। ये इतना भी इजी नहीं है क्योंकि तुम्हें इस जेट पैक को लेने के लिए ना इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल बॉस को हराना पड़ेगा। ओके से हट जाओ, हम तो इस जेट पैक को लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओ माय गॉड, 3, 2, 1 हमारी रेस स्टार्ट होने वाली है। क्या ही बात है, आते साथ ही हमारा जेट पैक तो कितनी ज्यादा तेजी से जा रहा है। परी 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 परी, पहले हम लोग ने कर दिखाया और इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल बॉस को भी हरा लिया। और ये देखो, अब तो हमारे पास इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल जेट पैक आ चुका है। OMG, अब तो तुम लोगों के पास भी ये जेट पैक आ चुका है। और ये देखो गाइस, अब हम लोग नेक्स्ट वर्ल्ड में आ चुके हैं और पूरे $1,00,000 देकर हम लोगों ने तो ये जेट पैक भी खरीदा है। और इस सेकंड जेट पैक की ट्रेनिंग हमें करनी होगी ताकि हम लोग इस पावरफुल बॉस को हरा पाए। इन सारे पावरफुल बॉसेस से बचने के लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। क्या ही बात है, काफी देर ट्रेनिंग करने के बाद तो अब हमारा जेट पैक बहुत ही पावरफुल हो चुका है। 3, 2, 1 और अब हमारी इस जेट पैक की रेस स्टार्ट होने वाली है। गाइस ये देखो, इनका जेट पैक तो कितने ही ज्यादा धीरे चल रहा है। ओ नो, मैं तो समझा था गाइस हमारा जेट पैक सबको बीट कर लेगा, लेकिन हमारे जेट पैक की स्पीड तो कितनी ज्यादा स्लो है। और अभी तक तो हम लोगों ने इस वर्ल्ड के सिर्फ 2 बॉसेस को ही बीट किया है। कमन टैप 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 गाइस। और ये देखो, अब हम लोग तो तीसरे वाले बॉसेस को भी बीट करने वाले हैं। ओके, फाइनली हमने इसे बीट कर लिया और अब तो हम लोग तीसरे नंबर पर भी आ जाएंगे। सामने ही रही फिनिशिंग लाइन, जल्दी से हम लोग अपने प्लान की और भी ज्यादा स्पीड बढ़ा देते हैं। और ये देखो, हमने फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर ली और अब देखते हैं हमें कौन सा एयरप्लेन मिलने वाला है। OMG गाइस, ये देखो, ये रहा पूरे $9,00,000 का जेट पैक। और ये कितना ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। अरे वानो बेटा, इसमें बैठकर तो तुम पूरे के पूरे हीरो लग रहे हो। ओके, अब हमें इस एयरप्लेन को और ही ज्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा। और इसे अपग्रेड करने के लिए हम लोग इस मशीन के ऊपर आ चुके हैं। कोई बात है गाइस, इनके एयरप्लेन की स्पीड तो कितनी ज्यादा तेज हो चुकी है। और इस एयरप्लेन के ऊपर काफी सारी प्रैक्टिस करने के बाद अब हमारी एयरप्लेन की स्पीड 1.7 बिलियन तक पहुँच चुकी है। क्यों 1.7 बिलियन? और मजे की बात है कि हम लोग अब इस वर्ल्ड के 4 बॉस को भी बीट कर सकते हैं क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ तो इससे ज्यादा हो चुकी है। देखते हैं अब ये छपरी लोग इस रेस को जीत पाएंगे या फिर नहीं। 3, 2, 1 और अब हमारी रेस स्टार्ट हो चुकी है। OMG, हमारा प्लेन कितना ज्यादा तेज चल रहा है। और फाइनली हम लोगों ने 4 बॉसेस को तो बीट कर ली। और ये देखो, हमने फिनिशिंग लाइन भी पार कर ली। और फाइनली अब तो हमें इस वर्ल्ड का सेकंड लास्ट जेट पैक भी मिल चुका है। OMG बेटा, तुम तो इसमें कितने ही ज्यादा प्यारी लग रही हो, ये जेट पैक मुझे दे दो। बिल्कुल भी नहीं, जेट पैक तो मैंने बहुत ही मुश्किल से जीता है। और अब गाइस, मेरे पास काफी ढेर सारी ट्रॉफीज भी हो चुकी हैं जिससे मैं एक नया पेट बाय करने वाला हूँ। ओके, ये हमने क्लिक किया, लेट्स सी इस बार हमें कौन सा पेट मिलता है। इस अंडे से जरूर मुर्गी का बच्चा ही निकलेगा। बिल्कुल भी नहीं जान, ये देखो अब तो हमारा नोवा रेयर पेट निकल चुका है। और सेकंड ट्राई तो मैं करूंगा। और ये देखो, मैंने क्लिक कर लिया, देखते हैं इस बार मेरा कौन सा पेट निकलता है। डोरी मुर्गी तो किस्मत ही बेकार है, इसका तो आम कॉमन पेट निकला है। ओके, ये हमने क्लिक किया और अब हम लोगों ने इस एयरपोर्ट वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पेट को इक्विप कर लिया है। परी परी साइमन, ये तो इस जेट पैक में कितने ही ज्यादा सुंदर लग रहे हैं ना। दोस्तों, ये लोग तो मेरे $1 के प्लेन के ऊपर हंस रहे थे, लेकिन अब तो हम लोगों ने इस वर्ल्ड का सेकंड लास्ट प्लेन भी अनलॉक कर लिया है। और अब तो ये मेरे इस प्लेन पर बैठने की मिन्नत कर रहे हैं। तेरे प्लेन का चक्कर हमें दे दो, हम तो पूरी जिंदगी तुम्हें तंग नहीं करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, इस प्लेन की तो मैं तुम्हें हवा भी ना लगने दूं। और ये देखो गाइस, अब मैं अपने प्लेन को अपग्रेड करने के लिए आ चुका हूं। और इस मशीन के ऊपर अपने प्लेन को रखते गाइस, हमारी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा तेज हो चुकी है। इन लोगों से तो बदला लेना ही पड़ेगा। और ये देखो गाइस, अब हम लोग ना रेस स्टार्ट करने वाले हैं। हमें पूरी तरह से रेडी हो जाना चाहिए, हम तो सारे एयरप्लेन को बीट कर लेंगे। ओनो, ये क्या, हमारा ये एयरप्लेन तो धुआं छोड़ गया। और ये सारे एयरप्लेन वाले तो हमसे आगे निकलते जा रहे हैं, हम तो किसी को भी बीट नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता, ये सारे एयरप्लेन वाले मुझसे आगे नहीं निकल सकते। ओके, अब तो मैंने इस एयरप्लेन के एक्सीलेटर पर पांव रख दिया है और अब तो हमारा ये एयरप्लेन कितनी ज्यादा तेजी से जा रहा है। अमेजिंग, हमने तो पहले एयरप्लेन को बीट कर लिया और अब जल्दी से हमें सेकंड वाले एयरप्लेन को भी बीट करना होगा। एक बात तो मुझे समझ आ गई, नोबिटा लोगों ने तो अपने एयरप्लेन को किसी जादू से अपग्रेड किया है, तभी तो इनका एयरप्लेन इस वर्ल्ड का सेकंड लास्ट पावरफुल एयरप्लेन बन चुका है। ये चैलेंज तो हमसे जीत चुके हैं, लेकिन
हम लोग भी अपने एयरप्लेन को छोड़ेंगे नहीं, हम भी इसे अपग्रेड करके ही दम लेंगे। अरे क्या हाथ दम लेंगे, अभी तक तो हम लोग फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुँचे और ये सारे एयरप्लेन के बॉस तो फिनिशिंग लाइन भी पार कर चुके हैं। ओके, हम तो सेकंड नंबर पर आए हैं और अब तो हमारा ये एयरप्लेन भी अपग्रेड हो चुका है। ओके, तो बिल्कुल सड़ा हुआ प्लेन है, लेकिन हमें इससे भी ज्यादा अपग्रेडेड प्लेन लेना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस, काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद अब हम लोगों ने अपने एयरप्लेन की स्पीड को 13 बिलियन से भी ऊपर कर लिया है और यही सही वक्त है कि हम लोग इस एयरपोर्ट वर्ल्ड के सबसे बड़े बॉस को भी हरा लें और इससे भी एयरप्लेन ले लें। और अब हम लोग रेस के लिए आ चुके हैं, 3, 2, 1। और ये देखो गाइस, अब हमारा एयरप्लेन कितनी ज्यादा तेजी से जा रहा है। फाइनली हम लोगों ने इतनी तेजी से फिनिशिंग लाइन भी पार कर ली और अब हम लोग इस एयरप्लेन वर्ल्ड के चैंपियन बन चुके हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आपको हमारा ये एयरप्लेन रेस चैलेंज कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।